आप देख रहे हैं कारा न्यूज, मैं हूं जिया यादव। नागपुर की पीटीकेवी मैदान दाबा स्थित मध्य भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रदर्शन एग्रोविजन का आयोजन दिनांक 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2023 तक के होने वाला है। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दरमियान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एग्रोविजन के आयोजकों ने दी है। इस मौके पर हमारे संवाददाता संजय मिरे इन्होंने एग्रोविजन के पदाधिकारी से बातचीत की है, आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज की टीम होटल सेंटर पॉइंट में, जहां पर एग्रोविजन का एक पत्र परिषद लेगी। देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेके रवि बोराडकर से लेके तमाम महानुभाव मौजूद थे और इस समय में हमारे साथ में रवि बोराडकर है। आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार से ये एग्रोविजन कार्यक्रम जो लिया जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण होगा इस देश के किसानों के लिए? देखो, इसका महत्व इसी में है कि हम लोग 14 साल से लगातार इसका आयोजन कर रहे हैं और किसानों को इसमें मुझे लगता है कि हमारा जो मेन उद्देश्य था उनको शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना और बाद में उनको एक काबिल बनाना, इस उद्देश्य से हमने इसका आयोजन किया है। और इसमें एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय प्रदर्शनी रहेगी, साथ में 30 से ज़्यादा विषयों पे कार्यशालाएं होगी और हम लोग जो आवश्यक विषय अभी कि इनको जो जिसको कहते हैं ना हम लोग वैल्यू एडिशन बोलते हैं फार्मर्स के लिए, तो इसलिए हम लोग फूड प्रोसेसिंग मतलब अन्न प्रक्रिया जो बोलते हैं इस विषय पर एक दिन का हमने कॉन्फ्रेंस भी रखा है। तो सब मिला के जो आयोजन हो रहा है इसका लाभ किसानों को अवश्य मिलेगा और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों ने यहाँ आके इस आयोजन का लाभ लेना चाहिए। यहाँ क्या नई तकनीक है, क्या नए उत्पादन है, कौन सी नई कंपनी, कौन से नए प्रयोग जो बाकी जगह पे अच्छे से हुए हैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। और हमने जो एक्सपर्ट्स बुलाए हैं पूरे भारत से, जो यहाँ के किसानों के लिए जो उपयुक्त विषय है उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे, उसका भी लाभ किसानों ने लेना चाहिए। बिल्कुल। रवि जी, ये बताएं कि हाल फिलहाल में इस समय में कारा न्यूज के तमाम जो किसान जो दर्शक है वे आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे हैं, क्या मार्गदर्शन करना चाहूंगी उन्हें? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि अभी ये जो हम लोग इसका जो आयोजन करते आ रहे हैं यहाँ पे, ये तो नॉलेज का भंडार है, तो वो यहाँ पे आए, उनको जो चीज़ चाहिए मतलब उसको आत्मसात करें। और यदि उनको कुछ यदि होना है मतलब कुछ चीज़ें जो उनको लगता है कि जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी उनको चाहिए उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं, वो जानकारी हम उनके लिए उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप थे रवि बोराडकर, जिन्होंने बखूबी बेबाकी के साथ बात करते हुए बताया कि किस तरीके से यह पत्र परिषद ली गई और किसानों को कितना फायदा इस आने वाले 14वें एग्रोविजन में होने वाला है, जो कि दावा स्थित होने वाला है। 24 तारीख से लेके 27 नवंबर तक के ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। नागपुर के होटल सेंटर पॉइंट प्रांगण से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरे, कारा न्यूज, नागपुर।